हाय हेलो, कैसे हो? सो यार, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन बीए, यानी कि आपको अपने ग्रेजुएशन में कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। आज हम उस टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना। मैंने आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटबुक में लिखे हुए हैं ताकि मैं आपको इनमें से देख के बता सकूं। जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारी ग्रेजुएशन होती है तो उसमें हमारे जो आंसर होते हैं, आंसर की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। इनफैक्ट आपके आंसर 17 मार्क्स, 18 मार्क्स, 20 मार्क्स के होते हैं। आपको उन मार्क्स की वेटेज के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना पड़ेगा ना। स्कूल में तो आप आंसर क्या सिर्फ हमारा 5 मार्क्स, 6 या फिर 8 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि किसी भी आंसर की वेटेज आप सबकी क्लास 12 तक रही होगी। बस बट ग्रेजुएशन में आपकी मार्क्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। उस अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर का कंटेंट लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक आंसर है 17 मार्क्स का, ठीक है? 17 मार्क्स के आंसर में आपको कम से कम 5 to 6 पेजेस लिखने चाहिए। कम से कम मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम आप 6 to 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है? बट 5 से, यानी कि या तो 5 पेज हो या फिर 6 पेज हो, इतना आपका कंटेंट होना चाहिए। अब आपको उसमें क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप इन पॉइंट्स को अपनी एक नोटबुक में लिख भी लो। फर्स्ट जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। एक अच्छे आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन का पार्ट ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। आपको अपनी आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन का पार्ट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, और इंट्रोडक्शन का पार्ट आपके पेज के एक पेज पे आ जाए वो काफ़ी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड चीज़ की। तो सेकंड चीज़ होगी आपकी मेन बॉडी, यानी कि क्वेश्चन में आखिरकार आपसे पूछा क्या गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा गया है डिस्कस द फीचर ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, आप उसमें जो आपकी मेन बॉडी होगी उसमें आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। जो आपकी मेन बॉडी होगी वो भी आपके 2 to 3 पेजेस पर कवर हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद है फ्लो चार्ट्स, फैक्ट्स एंड मिथ्स। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आपके पास कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, कोई फैक्ट है या फिर कोई मिथ है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग उसमें एक फ्लो चार्ट बना दो या फिर डायग्राम बना दो, अगर आपके पास है फ्लो चार्ट। बट अगर आपके पास कोई ऐसा आंसर है जिसमें आप फ्लो चार्ट नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है योर व्यूज़, यानी कि जो आपने आंसर लिखा है आपको उसमें अपना ओपिनियन भी आप उसमें दे सकते हो। कोई कंपलसरी नहीं होता, बट अगर आप चाहो तो आप अपना ओपिनियन भी उस आंसर में ऐड कर सकते हो। अगर आप हाफ या फिर एक पेज का लिखोगे उस ओपिनियन को, तो दैट इज़ इनफ। इससे ज़्यादा उसको एक्सटेंड मत करना। मेन जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो आपकी मेन बॉडी है, उसके आपको कम से कम 2 से 3 पेजेस लिखने चाहिए। और 2 से 3 पेज जो मैं आपको बता रही हूँ वो जैसे कि हमारी जो नोटबुक होती है, जैसे उसके साइड से कि इसको मैं बोल रही हूँ 1 पेज, फिर ये वाला 2, फिर ये वाला 3, यानी कि जो साइड्स होती हैं। ऐसा नहीं कि ये 1 है पूरा, ये 2, ये 3, ये वाला। ऐसे आपके पेजेस काउंट होंगे साइड्स वाइज, ओके? और जो लास्ट है आपका वो है कंक्लूज़न। आपके आंसर में कंक्लूज़न ज़रूर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एक सबसे बेस्ट आंसर में एक इंट्रोडक्शन का पार्ट एंड एक कंक्लूज़न का पार्ट होना ही चाहिए। मेन बॉडी तो होगी ही, बट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूज़न आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए। कंक्लूज़न को आप हाफ पेज तो नहीं, अगर हो सके तो आप पूरा हाफ से ज़्यादा या फिर 1 पेज इसको आप लिख देना। जो मैंने आपको ये आंसर राइटिंग की टिप्स बताई हैं, इसमें आपका 17 मार्क्स का, 18 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सब, उन सब की वेटेज कवर हो जाएगी। बिकॉज़ ये आंसर आपका 5 से 6 क्या 6 से 7 पेजों में भी आ जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। आपको ये टिप्स आपको ये टिप्स अपने एग्ज़ाम में, अपनी आंसर राइटिंग में ज़रूर फॉलो करनी है ग्रेजुएशन के। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, ओके? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।